सबसे पहले दिल्ली से मिल रही है बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। शराब नीति केस में सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ भी की है और पूछताछ के बाद बता दें गिरफ्तारी हुई है। एक अफसर ने डिप्टी सीएम का नाम लिया था। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। शराब नीति केस में सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ भी की है, ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। एक अफसर ने डिप्टी सीएम का नाम लिया था और न्यूज है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर, और इसकी आशंका सुबह से ही खुद आम आदमी पार्टी और उसके नेता जाहिर कर रहे थे, और यही वजह है कि महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर और एक बड़ा बयान जारी करके जिसमें तमाम दावे करते हुए और कुछ इस तरह से प्रिटेंड करते हुए कि वो इस पूरे मामले में जो शराब नीति का मसला है दिल्ली की, उस मामले में कहीं कोई भी उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई है, इसको लेकर एक भावुक संदेश, और ये कहते हुए मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए पहुंचे थे सीबीआई के पास कि हम तो सर पर कफन बांध कर निकले हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मसला है। अब ये जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और चूंकि मामला उस आम आदमी पार्टी से जुड़ा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की तकरार और भारतीय जनता पार्टी का एक कन्फ्रंटेशनिस्ट रिलेशन बहुत साफ तौर पर जाहिर होता है, तो ये एजेंसी के ऊपर जी आप कुछ कह रही हैं। जी बिल्कुल शरद जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने भी गिरफ्तारी से पहले जब पूछताछ के लिए वे जा रहे थे बयान दिया था कि हम सर पर कफन बांध के निकले हैं, साथ ही हजारों समर्थक भी साथ में मौजूद थे, समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब दोनों ही पर दबाव ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है पूछताछ के बाद, तो उनके पास क्या प्रमाण है ये उनको रखना पड़ेगा मजबूती से, जिससे विपक्ष को ये हमला करने का मौका ना मिले कि उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं थे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी को अपनी निर्दोषता प्रमाणित करनी पड़ेगी आपको कि आप कहीं आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कहीं कोई आप इस मामले में इंटेलिजेंस आपका नहीं है। तो दोनों ही इसके, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आप और बीजेपी के बीच में टकराव का एक बड़ा मसला रहेगा, और हो सकता है कि आप इसको लेकर दिल्ली में किसी बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी करें। जी बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।